सबको स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी आवाज क्लियर नजर सुनाई दे रही है आपको? यस सर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, जिससे हमने प्रीवियसली देखा था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ ग्राफ्स। ठीक है, हम ग्राफ्स को डिस्कस किया था जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ था और डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखा था तो वो हमें क्या दे रहा था? वेलोसिटी। और अगर हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को तो वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ इक्वेशन ऑफ मोशन, शायद किसी ने पहले पढ़ा हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? तो हम मोशन की इक्वेशंस फाइंड करना चाह रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से मोशन की, जो जितनी मोशन होती हैं उसकी इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। इन्होंने 3 जर्नल इक्वेशन बनाई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं उसको एक दफ़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस। ठीक है, इसको एस भी कह सकते हो, इसको एक्स भी कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था वेलोसिटी, जिसको वी का नाम दिया था। फिर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। यस सर। और इनके जब हमने ग्राफ को रिलेट किया था, वो हमने टाइम के साथ किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास चार चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम मोशन की इक्वेशंस फाइंड करेंगे। आपके सामने एक ग्राफ नज़र आ रहा है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर समझ, पहले मैं इसलिए समझा रहा हूँ, आगे जाके ये सॉल्व करना आसान होगा। पहले इसको ग्राफ को समझ लो, ग्राफ क्या है, फिर हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं विद दिस ग्राफ। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में आप देखोगे इनिशियली कि आप सपोज गाड़ी स्टार्ट की हुई है आपने। ठीक है, और गाड़ी से मूव करते हुए आप जा रहे हैं अपनी नानों के घर या अपने दादू कहीं भी जा रहे हैं या पार्क जा रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आप मूव करते हुए जा रहे हैं तो आपकी कोई स्पीड होगी इनिशियली, तो उस इनिशियल स्पीड को हम कहते हैं वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी कोई वैल्यू होगी, सपोज वो वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया इस जगह पे, जो कि ये लिखा नज़र आ रहा है एक जनरल फॉर्म में। ठीक है, 0 से ऊपर होगी कोई भी वेलोसिटी, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर, इससे मैं बताया कि जब हम जा रहे हैं तो जो हमारी स्पीड है उसको उन्होंने किया है। जी, मोशन, ड्यूरिंग मोशन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने वी आई का है, जो कि 0 से ऊपर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो इनिशियल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें मिली है एक सीधी रोड। अक्सर बॉयज़ क्या करते हैं, जब सीधी रोड मिलती है एक्सेलेटर दबाया और सीधा उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी गाड़ी की, बाइक की, ऐसे ही होता है। Yes, sir. हमने वही किया कि वी हैव टू एक्सेलरेट आवर कार, आवर व्हीकल। ठीक है, टू इंक्रीज आवर वेलोसिटी टू द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज, ये देखें आप एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है। ठीक है, टाइम गुजरता जा रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, तो आप देख रहे हो हम बी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और वहां पे वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वी एफ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इनिशियली उसने कोई वेलोसिटी उसकी थी जिसमें 5 मीटर पर सेकेंड है, कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, तो उसको वी आई कह दिया। हमने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, मतलब स्पीड को हम इंक्रीज करते गए, 5, 10, 15, 25 ऐसा इंक्रीज करते गए और वो एक वेलोसिटी तक पहुँच गया जिसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और वो है वी एफ। क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल में टाइम है, तो टाइम तो हमेशा गुजरता रहता है। तो हमने दो पॉइंट नोट कर लिए, एक पॉइंट है ए जहाँ से इनिशियल वेलोसिटी को नोट किया, देयर इज अ पॉइंट बी, वी हैव टू नोट फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। ओके, तो आपको ये पिंक लाइन नजर आ रही है सिर्फ, ठीक है ना, तो पिंक लाइन को हमने क्या किया, वी हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन एक्स एक्सिस। टाइम पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट, जो कि मैंने अभी रेड कलर की ड्रॉ की आपके सामने। तो ये वर्टिकल लाइन इस पिंक लाइन की वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ओके सर। यस सर, तो इस लाइन को, जो पिंक लाइन है, इसको मैं एक्सेलरेशन का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, मूव करते हैं, जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो
इस इनिशियल वेलोसिटी से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ऑन दैट वर्टिकल लाइन, तो आपको नजर आ रहा है दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया ये ग्राफ, एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई और एक हमारे पास बन गया रेक्टेंगल। यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कोई छोटा सा पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछ लें। नो सर। ओके, अब यहां पे आप देख रहे हैं दो हिस्सों में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास एरिया का फार्मूला मैथमेटिक्स यूज हो रही है। तो वो जो हमने देखा था ना रिलेशनशिप होता है मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ, तो ये देखो एरिया का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो एरिया इन मैथमेटिक्स, एरिया फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, डेट इज़ 1/2 क्या होता है, हाइट इन टू बेस, ऐसे होता है या विड्थ कह लो। यस सर। हाइट को मल्टीप्लाई किया जाता है विड्थ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, सॉरी ट्रायंगल नज़र आ रहा है, मैं कलर चेंज कर लूँ जस्ट अ मिनट जी, ये फिरोजी कलर आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल है, तो अब मुझे बताओ इसकी हाइट कितनी है ट्रायंगल की? नीचे वाली है ना, तो ये टी है ना जी, जिसको हम कह रहे हैं ओ डी, ठीक है जी जी। सर गेन एंड स्पीड vf माइनस vi भी तो हो सकती है सर। मैं अभी जस्ट जनरल फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं, मैं अभी उसमें कन्वर्ट करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं कन्वर्ट करूंगा अभी, जस्ट मैं इस सिंबॉलिकल फॉर्म में यूज कर रहा हूं bc और od। ये समझ आ गया सबको? यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा, तो अब मुझे बताओ जो BC हमने लिखा है, बिल्कुल उन्होंने सही बताया, उसको हम लिख सकते हैं कि BC में क्या आ रहा है, VF टोटल है और VI दोनों को माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा VF माइनस VI। यस सर। जी बनेगा? यस सर बनेगा। यस सर बनेगा। हाँ जी, OD क्या चीज है? OD अभी मैंने बताया था टाइम है जी सर। ये जी, ये समझ आ गई? यस जी सर। कोई कंफ्यूजन किसी की नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक? सर ओडी को हमने मतलब टाइम से किया हुआ है ओडी। हाँ जी। ओके सर। ओडी ये देखे ना, ओडी यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो हमें बता रहा है वो टाइम बता रहा है, टोटल ये लिखा हुआ जी सर। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो वी एफ माइनस वी आई बात हो रही है, ऐसी है? यस सर। तो मैं लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ समझा चुका आपको, मुझे बताएं एक्सेलरेशन का फार्मूला था, एक्सेलरेशन का फार्मूला था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या सिंपल टाइम भी कह सकते हो उसको, ऐसी फार्मूला था एक्सेलरेशन का? यस यस। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज वेलोसिटी में चेंज का बात करूँ तो वो क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, इज इट सो? यस सर। सबको समझ आ रही है? यस जी सर। ठीक है, अब मैं यहां से टी को लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो डेट इज ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। यहां तक किसी को ना समझ आया हो? आगे तो ये चीज समझ आ, यहाँ यहाँ पे नहीं लिखी हुई? यस सर। सर ये राइट साइड पर जो आपने जी जी सर ये ओडी बी सी मल्टीप्लाई बाय ओडी, तो सर इसमें ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल मतलब दोनों इसमें आ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, नहीं आप उस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, हमने एसी लिखना था ना, ये देखो इसकी बेस इसकी विड्थ क्या थी, एसी? यस सर AC थी ना, तो AC और OD सेम है ना?
सेम लेंथ के हैं यस सर, इसलिए मैंने ओडी लिख दिया डायरेक्ट। सर सिर्फ चेंज हो गई है उसकी नेम। ओके सर जी, आप एसी भी लिख सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, चीज मैंने बताया कि यहाँ पे लिखी हुई हमारे पास, तो हमने क्या किया, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ये आपका इस ट्रायंगल के अंदर लिखा हुआ है, चेक करें एरिया। यस सर, लिखा हुआ है। हाँ जी, ये अगर किसी ने नोट करना है तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे। सर कर लिया नोट। हाँ वैसे तो मैं ये स्लाइड इसी तरह सेव कर लूँगा ताकि आपको यहाँ से मिल भी जाए दोबारा से, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करनी होती है क्योंकि ये आपको ये इसी तरह ही समझ आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हमने ट्राइंगल की बात की थी, अब रेक्टेंगल की बात कर लें। जी सर। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ जी। लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ वही टाइम ही है, लेंथ की जगह मैंने टाइम लिख दिया। विड्थ कितनी है, जो कि सी डी है, ये वाली जगह, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, इसकी ये विड्थ होगी। ये विड्थ है तो ये क्या चीज़ है, ये वी आई के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिया वी आई, तो ये बन गया एरिया, डेट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई इन टू टी, और ये इस एरिया के अंदर लिखा हुआ है जो कि रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है, एन कैन वी। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको ड्राइव करके बताया कि ये ड्राइव कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन को फाइंड करने की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन कह रहे हैं इसको, ठीक है। पहली इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पहली इक्वेशन के लिए हमें इस लाइन को देखना है, ये जो पिंक लाइन नहीं थी, तो इस लाइन को देखना है, ठीक है। इस लाइन को कैसे, इस लाइन को कैसे देखना है, इसकी स्लोप देखनी है। स्लोप क्या होती है, स्लोप जिस तरह आप वो कहते हैं ना कि ऊपर जाने जा रहे हैं, तो ऊपर बेसिकली इंक्लाइन हो रहा है, तो इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन को हम बेसिकली स्लोप कहते हैं, कि कितनी इंक्लाइनेशन है और कितनी डिक्लाइनेशन है, कितना वो ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो उसका फार्मूला बेसिकली होता है हमारे पास वाई बाय एक्स। वाई क्या है, वाई एक्सिस, जिसमें हमारे पास ये वर्टिकल होता है, और x क्या होता है, जो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। ये जस्ट फार्मूला बता रहा हूँ, जनरल फार्मूला। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि मुझे पता है ये स्लोप पिंक वाली लाइन है, तो पिंक वाली लाइन क्या है, एक्सेलरेशन है। यस सर, पिंक वाली लाइन एक्सेलरेशन है, तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप क्या है, दैट इज वाई ओवर एक्स। यस सर। तो वाई इसमें क्या है, इसमें जो कि बी सी था लास्ट टाइम में मैंने बताया था, वर्टिकल वाली चीज, तो वो बी सी लिख दिया। और एक्स हमारे पास क्या है, जो कि ए सी था, AC था जी सर, तो मैंने BC डिवाइडेड बाय AC कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना पूछे। नो सर, सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन समझ आ गई है, तो BC जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखें राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें मैं बता रहा हूँ, ये है BD टोटल। टोटल में से अगर मैं CD को निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा,
क्या बचेगा बी डी माइनस सी डी आगे समझ जी सर नो सर टोटल क्या था बी डी था ना यस सर टोटल बी डी था टोटल बी डी था तो बी डी माइनस सी डी सी डी निकाल दिया मैंने बी डी में से तो क्या बचा बी सी तो इक्वल टू बी सी ओके ओके आप क्लियर हुआ सबको यस सर यस सर इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी की जगह तो ये देखें बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी OD मैंने क्यों किया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था OD और AC इक्वल है आपस में क्लियर हो रहा है सर OD टाइम जी OD टाइम है बिल्कुल क्लियर हो रहा है यस सर हो रहा है BD माइनस CD डिवाइड बाय OD तो OD की जगह जिसका हमने आपने बताया कि टाइम ही होता है तो ये देखिए T लिख दिया उसकी जगह तो CD हमारे पास क्या है जो कि CD ये लिखा हुआ है वो VI के इक्वल है ठीक है उसकी जगह VI कर दिया और BD किसके इक्वल है जो कि टोटल था वो VF के इक्वल है एनी कंफ्यूजन नो सर ये ग्राफ के थ्रू आप हम सब कुछ कर रहे हैं ऐसे ही है ना जी सर Yes, just we have to put the values in the equation above equation we get vf minus vi divided by t is equation ko dekh le ek dafa koi question hai yahan tak pooch no sir ji students sir matlab main pooch raha hu jise humne upar likha b aur bc to uske vf aur vf aa gaya aur isse नीचे CD है तो VI आ गया बिल्कुल ये देखें CD okay. किसके इक्वल बन रहा है VI के इक्वल बन रहा है ग्राफ में देखें यस सर VI के इक्वल है और BD जो इक्वल बन रहा है वो आपके पास VF के इक्वल बन रहा है और OD जो है वो T के इक्वल ग्राफ के थ्रू ही सब कुछ देख रहे हैं ओके सर वो टाइम के इक्वल हो गया बिल्कुल यहां तक समझ आ गई तो ये जो T नीचे डिवाइड हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट तो हमारे पास क्या बन गया वी एफ माइनस वी आई डेट इज इक्वल टू ए टी तो वी आई जो माइनस हो रहा है ये राइट साइड पे ले गया प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ट्रांसफर किया तो प्लस हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन ओके नो सर नो सर जी किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे जाना थोड़ा मुश्किल है जी सर ये जब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब ड्राइव करनी होती है हमने जी जी तो सर ये ऐसे लिखेंगे जैसे बुक में लिखा हुआ होता है मतलब सर मतलब जब ड्राइव करनी होती है ना इक्वेशंस मतलब ये इक्वेशन बनी कैसी है मतलब पूरा प्रोसेस जब दिखाना होता है तो सर ये मतलब जैसे ये सारा ए बी और ये बी सी ए सी इधर लिखा हुआ ये लिखना होता है हमें जी जी बिल्कुल ऐसे लिखना ओके थैंक यू ठीक है अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है और लॉन्ग के लिए बेसिकली हम स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि वी हैव अ थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ठीक है तो हमने बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करना होता है ये पीछे वाला जो है ना ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पे स्टार्ट करना सर इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें सिर्फ ये एक ग्राफ जो है बनेगा या और भी ग्राफ एक ही है ग्राफ एक ही है लेकिन इक्वेशन तीन है ओके सर ठीक है और कोई क्वेश्चन यस सर नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी भी कोई क्वेरी है आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आप पूछ रहे हैं कि पेपर में किसने आएगा जैसा समथिंग आता है ना माइंड में तो क्या लिखना है तो ये मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे समझा दिया है ठीक है कोई भी क्वेश्चन है पूछ
Yes, please. No question? No, sir. Okay. Moving toward another equation of motion, that is the second. तो सेकेंड में हमने बेसिकली क्या लेना होता है, ये जो हमने एरिया फाइंड किए थे, ठीक है, जो पीछे मैंने आपको क्लियरली समझाया था ना कि एरिया कैसे फाइंड किए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो यहाँ पे फाइंड किए गए हैं। इन एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल को एक दफ़ा देख लें कि ये कैसे फाइंड किए हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है पूछे। जी स्टूडेंट्स? नो सर, आगे समझ सर। किसी को नहीं समझ आई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करना है, ये वही चीज़ लिखी हुई है, आप बेशक वही वाला लिख लो या ये वाला लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही जैसे हैं, ठीक है। मैं किसी बच्चे को कंपलसरी नहीं कहता कि यहाँ से ही याद करो, ठीक है ना, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ अपने कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो, अपनी वर्डिंग में भी चीज़ें लिख सकते हो, यहाँ पे लेबलिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो आप, लेकिन फ़र्क इस चीज़ का होता है कि आपने चीज़ को बस सही लिखना है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट लेना आपने। यस सर। जी, फिर भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं किसी को क्वेश्चन पूछने से मना नहीं किया कभी। सर, इसका लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ओ ए सी डी लिखा, तो बी क्यों नहीं लिखा उन्होंने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, तो रेक्टेंगल हमारे पास ये नीचे वाला है ना। ओके सर, ठीक है, ये रेक्टेंगल है इसलिए इन्होंने ओ ए लिखा है, कि जो कि ये वाली इसकी वेट है ओ ए। ओके सर। और डी की है जो कि उसकी टाइम है, टाइम बन, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस फाइंड करना। तो मेन इक्वेशन इसका, हम सेकंड इक्वेशन मोशन में हमारे पास क्या था, डिस्टेंस फाइंड करना। तो टोटल डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या हुआ, जो कि टोटल एरिया बनता है ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है, इस पूरे ग्राफ का जो टोटल एरिया बनेगा, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन जाता है, तो वो हमने फाइंड करना। पहले इक्वेशन में हमने क्या किया था, पिंक लाइन को ट्राई किया था, अभी हमने क्या किया, पूरे एरिया को देखा दूसरे इक्वेशन में। ये आपने छोटे छोटे हिंट्स याद रखने, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन में आपने एरिया ऑफ इस दिस डायग्राम वो आपने देखना है, तो उसमें रेक्टेंगल आता है और ट्राइंगल आता है, तो दोनों को हमने क्या करना, ऐड कर देना है, तो दोनों हमने फाइंड किए हुए थे, तो वी हैव टू जस्ट ऐड इट, VIT मल्टीप्लाई 1/2 T इंटू AT, मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस हो रहा है 1/2 T इंटू AT, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो फाइनल आ जाती है। जी, ये लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन आपको नजर आ रही है, इसमें कोई क्वेश्चन है पूछें? नो सर। जस्ट अब क्या किया दिया, यहाँ पे दो टी थे उनको कंबाइन कर दिया, वी हैव टू जस्ट रेज टू द पावर 2, तो उसको कन्वर्ट कर दिया रेज टू पावर 2, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो दिस इज द फाइनल सेकंड इक्वेशन। जी सर। जी, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए। सर। यस प्लीज। सर, ये जो इस इक्वेशन में एस शो हो रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये एरिया को, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। बेसिकली मैंने स्टार्ट में कहा था, डिस्टेंस को हम शो करने के लिए डी भी यूज़ करते हैं, एस भी यूज़ करते हैं, एक्स भी होता है, आर भी होता है, ये डिफरेंट इसके सिंबल्स हो सकते हैं। सर, मुझे बस इतना बताते हैं कि जो एन में ए टी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो क्यों आया? क्योंकि ये दो टी थे यहाँ पे। ओके, दो टी थे, तो एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर 1 है, बेस सेम, तो पावर ऐड होती है, मैथ करूं। ऐड होती है। यस सर, बेस पावर सेम प्लस तो ये डिग्री 1 प्लस 1 टी 2 आ जाएगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। जी, बाकी स्टूडेंट में मुझे एक दफा इन्फॉर्म कर दें कोई क्वेश्चन है। नो सर, सर क्लियर है।